देखिए, आज उधमपुर में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूज्य महात्मा गांधी जी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, उन पे फूल मालाएं चढ़ा के नमन आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसा कि 74 वर्ष पहले आज ही के दिन 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और आज ही का दिन पूरे देश भर में शहीद दिवस के नाम पे लोग मनाते हैं। मैं बता दूं कि जैसा कि महात्मा गांधी जी की सोच थी सत्य और अहिंसा, उनके मार्ग पर हम सब चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन हमें यह जरूर मैं कहूँगा कि देश में कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि महात्मा गांधी जी के जो मार्ग पर बताए जाने की बातें थी, कुछ लोग उनकी बातों से हटकर देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं कहूं कि जाति धर्म की बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, मंदिर मस्जिद की राजनीति लेके जो देश में हो रहा है, मुझे लगता है यह महात्मा गांधी जी ने कदापि नहीं सिखाया था। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बेशक महात्मा गांधी जी हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे हम सब लोग चल रहे हैं, और पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हम जो वंचित लोग हैं या जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, वह आज भी महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर आंदोलन करते हैं और अपना हक लेते हैं। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक रहे महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम। चलो हो गया जो थोड़े बंदे तक वैसे ही कोविड को लेकर बंद कर रखा है। सर, पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, आज फिर एक बार देश जानने लग गया है कि जो 30 जनवरी का दिन पूरे देश में पूरे विश्व में मनाया जाता था कि जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी, और जिन फोर्सेस ने हत्या की, जिन ताकतों ने उनकी हत्या की, शहादत दिलवाई, और वही ताकत आज देश को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने में लगे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि देश में जो महात्मा गांधी का सोच, महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है, उसको पिछाड़ करके नथुराम गोडसे वाला सोच देश पर हावी हो रहा है, और इस पर आज सारा देश, सारा विश्व सोचने पर मजबूर होगा। दूसरी जो आज की बात आप जान गए होंगे कि ये दिन देश के सबसे बड़े शहीद, जिसने सारी अपनी जीवनी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करी थी, और उन्हीं का आज शहादत का दिन था 30 जनवरी। और बदकिस्मती देख लीजिए कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने आज का दिन
जो डिक्लेयर किया है वो महात्मा गांधी का नाम लिए बगैर तमाम उन शहीदों के नाम पर कर दिया जिन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है। हम उसके मतलब खिलाफ नहीं हैं, जिन्होंने भी शहादत दी है उनको याद किया जाना चाहिए, मगर जो 30 जनवरी का दिन है ये सिर्फ और सिर्फ उस महान पुरुष की शहादत के नाम से यहाँ पर याद किया जाता था, जो आज भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने सरकारी आर्डर में से महात्मा गांधी का नाम भी उड़ा दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो संघी लोग हैं, जो भाजपाई लोग हैं, उनको कितनी मतलब एक हिसाब से एक चिढ़ है महात्मा गांधी के नाम से, क्योंकि उनका पैरोकार नथुराम गोडसे रहा है। वो उस पैदावार को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आसमान पर बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज के दिन पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी इस शहादत को याद करते हुए देश को याद दिलाना चाहती है कि ये देश गांधीयन सोच से ही चलता आया है, आगे भी हजारों साल ये गांधीयन रास्ते से ही आगे बढ़ेगा। जो उन्होंने सोच दे रखा था देश को वही सबसे बड़ा सोच है, इसको वो मिटाने की कोशिश करें आज की सरकार, उनके मिटाने से वो मिट नहीं सकता है। वो पूरे दुनिया में अपना छाप, अपना फुटप्रिंट अपना दे चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही आह्वान है कि हम सब लोगों को महात्मा गांधी जी के दिए हुए सोच को लेकर, दिए हुए कंसेप्ट को लेकर हमें अपने संगठन, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी आज की इसमें मैसेज। राहुल गांधी के ट्वीट पर अभी उस पर भी अब रिएक्शन आना शुरू हो गए, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्ववादी सोच के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बांटने की वजह से जो है इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हकीकत है, इसका दिन दर्शाता वही है। इसको आप कितनी भी पर्दापोशी करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। जो महात्मा गांधी जो सोच पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा था उनके दिखाए हुए रास्ते को, आखिरकार उनको गोली से मारने वाला था कौन? अगर आज के दिन पर उसकी जिक्र ना करें तो फिर कब करें? तो ये तो साफ दर्शाता है आखिरकार था क्या चिड़ नथुराम गोडसे को, जो महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। लेकिन नथुराम गोडसे का नाम लिखा जाता तो शायद इतना इस पे इशू नहीं बनता, लेकिन हिंदुत्व तो बताते हैं कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो, हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, ये तो एक धर्म है, एक आस्था है, उस सबको मतलब मानना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। अपना अपना धर्म अपने रास्ते से अपनाए, उसमें किसी को आज तक विवाद नहीं हुआ। मगर जो मतलब जिसकी नुमाइंदगी नथुराम गोडसे करता था, मुझे नहीं लगता है कि हमारे ही देश में कोई भी हिंदू उस रास्ते को मतलब तस्लीम करता होगा। तो कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथ में निकल चुका था, जिसकी वजह से वो ये कर्म कर गया। अब आप उसको जिस भी लफ्जों में देख लीजिए, मगर जो हकीकत है तो वो हकीकत है। यहाँ पर आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के आला नेताओं ने महात्मा गांधी जी को जो है उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी के जो ट्वीट पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठना शुरू हो गए। यहाँ पर उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि हिंदुत्ववादी सोच के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की, तो जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव भी हैं उस पर जो धर्म के नाम पर जिस तरह से पूरी राजनीति देखने को सामने आ रही है उस पर अभी काफ़ी जो है सवाल उठना शुरू हो गया। वहीं आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ क्वेश्चन पटियाला टाइम्स जम्मू।